तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट वेयर करंट कैरिंग, मतलब कैरिंग करंट। अब देखो, बायोट सावर्ट लॉ से हम लोगों ने एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड को निकाल लिया था, लेकिन इस बार हम एक टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और डेरिवेशन को ईजी रखने के लिए हमने एक स्टेट वेयर माना है। अब ज़रा देखना, ये डेरिवेशन बच्चों को काफ़ी टफ लगता है, लेकिन आई होप जितना ईजी वे में इसको किया जा सकता है मैं उतना ईजी में कर रहा हूँ, डन है। तो मान लेते हैं इसका ये कुछ फाइनाइट लेंथ है। हम चाहते हैं हम इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो निकालना चाहते हैं। अब एक चीज़ समझना, ये डिस्टेंस हर बार, जैसे मैं करंट डीए जैसे मैं एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीए ले लेता हूँ प्रपस का। देखो, इसको समझाने के लिए मैं इस बार थोड़ा डीएल को थोड़ा सिग्निफिकेंटली बढ़ा लेने वाला हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके लूँगा कि आपको समझ आए। डन, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो आई डीएल ये वाला एलिमेंट हो चुका है मेरा। अब बायोट सावर्ट ने क्या बताया था, यहाँ से एक सीधा आर बना लो, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्यूरेसी के लिए, ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम यहाँ पे कुछ ऐसा बना के देख रहे हैं। डन, हम यहाँ से कुछ ऐसा बना के देख रहे हैं, ये बातें हमें क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एंगल बनने वाला है डी थीटा, ये बातें क्लियर है, छोटा सा एंगल डी थीटा बनने वाला है। लेट सपोज यहाँ पे एंगल फाई है, ये इतना छोटा डिस्टेंस है कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो एंगल है लगभग उतना ही एंगल यहाँ पे भी है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है, डन है। अब हम यहाँ से ये डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, हम यहाँ से इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, दैट इज सम आर डिस्टेंस पे है, मेजरेबल डिस्टेंस। हम इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ थीटाज में निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या मान रहे हैं, ये जो अपर एंड है, अपर एंड से ए वाला पॉइंट पी पॉइंट कुछ एंगल पे है, और इस लोअर एंड से भी ए वाला पी पॉइंट सम सॉर्ट ऑफ कुछ एंगल पे है। अपर एंड से कितना एंगल में है, लेट से थीटा वन एंगल पे है, लोअर एंड से थीटा टू एंगल में है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। और एक चीज़ जो हम यहाँ पे मानने वाले हैं वो क्या है कि ये डी थीटा था, इस तरह डी थीटा को जोड़ जोड़ के ऊपर जाते रहेंगे तो यहाँ पे हमें एक बड़ा सा थीटा मिलने वाला होगा। यहाँ तक ये डायग्राम आपको समझ आया, डन। तो यहाँ पे इनको नेमिंग करेंगे ए बी, इस पॉइंट को सी लिख देते हैं, इसको डी और इसको ई लिख लेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो लेटेस्ट कंसिडरेशन वाला पार्ट को लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्टली डेरिवेशन करेंगे। तो लेटेस्ट कंसिडर ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर वायर विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, पॉइंट पी। बातें क्लियर है। सो बाई बायोट सावर्ट लॉ, बाई बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ से हमें क्या पता है, ये जो करंट एलिमेंट है, दैट इज जो ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दैट इज आपका डी बी, किसके बराबर रहेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन, इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल इतना छोटा है कि दोनों एंगल लगभग सेम है, फिर भी अगर एवरेज यहाँ से देखें तो कितना एंगल है, फाई डिवाइडेड बाई इनके बीच का पोजिशन, दैट इज़ आर मानते हैं, ठीक है, पोजिशन कितना आर मान लेते हैं, दैट इज़ आर स्क्वायर। ये बायोट सावर्ट लॉ में कहता है हमें। अब देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ से हम लोग मेन ट्रिक्स को अप्लाई करना शुरू करेंगे। अब एक चीज़ देखना, मुझे साइन फाई हम इंटीग्रेट नहीं करना चाहते, हम इस थीटा को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, मतलब हम ए साइड से एंगल नहीं, हम ए साइड से एंगल नाप रहे, तो हम इस थीटा को इंटीग्रेट करना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहेंगे कि साइन फाई को एलिमिनेट करें। डन, एलिमिनेट करने के लिए अब देखो, एक छोटा सा मैंने डी एल एलिमेंट लिया था, इसमें से करंट कितना फ्लो है, आई डी एल, करंट एलिमेंट आई डी एल है, एक छोटा सा एलिमेंट एक डी एल है। अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, यहाँ पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो मैंने पहले ही बताया था ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस सेम हो गया, मतलब अभी ये दोनों आर आर हो चुका है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस आने वाला है, यहाँ पे एंगल फाई है, इसी ट्राइंगल को मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, लेट इट बी एफ। डन, इसी ट्राइंगल को जो पिद्दू सा बनाया ना, इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, दैट इज़ ए आपका है जाके डी टू सी। डन, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करवा दिया, ये बन चुका है मेरा अभी एफ, यहाँ पे एंगल है थीटा, थीटा नहीं, यहाँ पे एंगल है आपका फाई, फाई एंगल, और ए वाला डी एल। डन, तो ए 90 है बराबर, आप इसमें से साइन थीटा निकालो, ए 90 है तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस,
डन, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। यहाँ से आप एक बार साइन फाई निकालो तो साइन फाई इजिकल टू कितना आ रहा है, दैट इज डी एल, डी एल साइन क्या होता है पंडित भद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो परपेंडिकुलर सॉरी सी एफ, सी एफ अपॉन हाइपोटेनस कितना है आपका डी एल है, ये बातें क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम डी एल को निकाल लें तो डी एल कितना आ रहा है आपके पास सी एफ अपॉन साइन थीटा, साइन फाई सॉरी, ये बातें क्लियर है। तो यहाँ पे भी हम डी एल की जगह में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फाइनली डी बी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, आप बस देखते रहो ईजी हो जाएगा, दो तीन स्टेप ही फॉलो करने बस। पाई आई डी एल को मैं चेंज कर रहा हूँ कितना आ जाएगा ये अपना सी एफ डिवाइडेड बाई साइन फाई, यहाँ तक बातें क्लियर है। और यहाँ पे डी एल को चेंज कर दिया तो यहाँ पे साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर तो बच ही रहा है, कट गया है सारा। तो मेरे पास फाइनली कितना आ चुका है यहाँ पे, फाइनली मेरे पे डी बी का एक्सप्रेशन आ चुका है म्यू नॉट बाई फोर पाई आई अपॉन नीचे में आर स्क्वायर और यहाँ पे सी एफ। अब हम इस सी एफ को भी एलिमिनेट करना चाहेंगे, सी एफ को एलिमिनेट करने के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ देखो, ये मैंने सी एफ बनाया था, इस बार मैं इस पार्ट को लेने वाला हूँ, डन है, इस पार्ट को लेने वाला हूँ, इस पार्ट को लूँगा। तो मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पे बाय द वे आपके लिए एक बार, ए मैंने बना दिया सी एफ बराबर है, ए मैंने बना दिया सी एफ, इसको खींच के इनके बीच का एंगल कितना है छोटा सा एंगल डी थीटा है, यहाँ तक बातें क्लियर। ए वाला आर और ए वाला क्या अपना सी एफ है, यहाँ तक बातें क्लियर। अब देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना, ट्रिग्नोमेट्री में जब हम रेडियन पढ़ रहे थे तो थीटा हमने कितना लिखा था, आर्क लेंथ एल अपॉन आर थीटा इज इक्वल टू हमने लिखा था ना आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ भी अगर वही सेम फंडे को हम अप्लाई करें इस ट्राइंगल में, अगर वही सेम फंडे को अप्लाई करें तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे छोटा सा एंगल क्या है आर्क लेंथ दैट इज सी एफ अपॉन रेडियस, तो मेरा यहाँ से सी एफ कितना निकल के आएगा आपके पास आर डी थीटा, यहाँ तक बातें क्लियर है। सो यहाँ पे सी एफ का जगह पुटअप करते हैं, सो यहाँ पे सी एफ का जगह में इस वैल्यू को पुटअप करेंगे म्यू नॉट बाई फोर पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, सी एफ कितना है हम पे आर डी थीटा, यहाँ से आर कट गया। तो फाइनली मेरे पे यहाँ पे डी बी निकल के कितना बच रहा है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई डन आई डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, मतलब डी थीटा हम यहाँ पे एंगल लेके पहुँच चुके हैं, थीटा वाला एंगल यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ तक हो चुका है आर स्क्वायर नहीं आर। अब हम इस आर को भी एलिमिनेट करना चाहेंगे, इस आर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या त्रिकोण लगा रहे हैं सोचो एक बार, इस ट्राइंगल को बी सी पी, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं तो या इसके बाद इन ट्राइंगल बी सी पी बी सी पी बी सी पी, देखो यहाँ से इस ट्राइंगल को डन, इसमें मैंने एक थीटा माना था, थीटा जोड़ जोड़ के थीटा बनाएंगे बोला था, इसको लेते हैं एक बार, तो ए बी ए सी ए अपना पी और इनके बीच का मैंने एंगल कितना लिया था थीटा, ए वाला एंगल मैंने थीटा लिया था, पूरा एंगल थीटा टू है, ए वाला एंगल कितना है थीटा है, तो थीटा डन, बी बी टू पी मेजरेबल डिस्टेंस आर होता है डन, और यहाँ पे एक फाई एंगल पड़ा है उसका हमें दिक्कत नहीं है हम यहाँ पे बेसिकली, और ए वाला डिस्टेंस क्या है ए वाला आर डिस्टेंस है, यहाँ तक हमें बातें क्लियर है डन। अब हम बेसिकली यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, अब देखो तो हमें यहाँ पे दो ए चीज़ें हैं तो ए आपका 90 डिग्री, ए आ गया आपका हाइपोटेनस, ए वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए बेस है, तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो किस में आता है पंडित भद्री, बेस और हाइपोटेनस कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस, बेस आपका आर है अपॉन हाइपोटेनस कितना है स्मॉल आर है, ये बातें क्लियर है। यहाँ से आप स्मॉल आर को निकालो, यहाँ से आप स्मॉल आर को निकालो तो स्मॉल आर कितना आएगा, स्मॉल आर यहाँ जाएगा तो आर अपॉन कॉस थीटा बचेगा आपके पास, यहाँ तक बातें क्लियर है। ये लास्ट था, इसके बाद तो कुछ पुटअप नहीं करना है, फिर डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे डन। सो मेरे पास डी बी का अभी नया फॉर्मूला क्या बन चुका होगा म्यू नॉट बाई फोर पाई आई, आर की जगह में क्या लिख देना है मुझे आर अपॉन कॉस थीटा, देखो यहाँ मैं आई लिखा उसके साथ यहाँ एक डी थीटा भी है, स्मॉल आर की जगह में क्या लिख रहा हूँ आर डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो आर बाई कॉस थीटा यहाँ आएगा, कॉस थीटा ऊपर चढ़ जाएगा फिर ठीक है, तो ऐसा कुछ आने वाला है। सो डी बी मेरे पास कितना निकल के आया म्यू नॉट आई बाई
फोर पाई आर कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो थीटा थीटा के टर्म पे आ चुका है, अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। तो यहाँ पे सारे टर्म हमें पता है, म्यू नॉट परमिटिविटी पता है, करंट कितना फ्लो हो रहा है एमीटर से नाप लेंगे, फोर पाई कॉन्स्टेंट, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होगा वो भी हमें पता है, डन। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग थीटा कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है आपको, थीटा टू से थीटा वन। लेकिन अगर आपको याद हो हमने क्या बोला था, ए क्या है ऑपोजिट में है तो थीटा को इस बार नेगेटिव लेंगे, ठीक है, नेगेटिव थीटा टू। क्यों, ए अगर बेस लाइन है तो बेस लाइन के नीचे, क्योंकि रेडियन के टर्म पे हो रहा है तो रेडियन के टर्म पे नेगेटिव रेडियन में आएगा, पॉजिटिव रेडियन में आएगा। नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम कहाँ से, ए वाला नेगेटिव पीछे का पार्ट है, यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो पीछे का पार्ट नेगेटिव थीटा टू, टू कहाँ ए एक्स्ट्रा पॉजिटिव टू पॉजिटिव थीटा वन। यहाँ तक बातें क्लियर है, सो इंटीग्रेशन लिख देते हैं, इंटीग्रेशन किसका db का इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट i बाई फोर पाई आर कॉस थीटा डी थीटा। छोटे छोटे db को जोड़ लेंगे, बड़ा db मतलब बड़ा वाला मैग्नेटिक फील्ड, सब छोटे छोटे ये सारे एलिमेंट कितने कितने बना रहे हैं, ये सारे एलिमेंट बिद्दू एलिमेंट एक एक कितने कितने बनाएंगे, सबको जोड़ लेंगे, बड़ा वाला db हमें मिल जाएगा, मतलब बड़ा वाला भी मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है सबको बाहर निकालो, म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर इंटीग्रेशन के अंदर कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कर रहे हैं हम, नेगेटिव थीटा टू से पॉजिटिव थीटा वन तक कर रहे हैं, डन है। अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, अभी आपको पता नहीं होगा दैट इज साइन थीटा होता है, डन है। आप जब कैलकुलस पढ़ लोगे आपका क्लास ट्वेल्थ का तब आपको पता रहेगा, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा आपका साइन थीटा होता है। सो यहाँ पे इसको करेंगे दैट इज़ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई फोर पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा, लिमिट डाल देना है आपको दैट इज़ लोअर लिमिट थीटा टू से थीटा वन तक, डन। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर, तो यहाँ से यहाँ तक हमने किया तो अभी हमारे पास कितना है, अभी कितना है माइनस पहले कितना था, तो अभी कितना है साइन थीटा की जगह में थीटा वन, अभी इतना है माइनस पहले कितना था साइन थीटा, अच्छा माइनस साइन थीटा टू। और ये तो सबको पता है ना साइन ऑफ नेगेटिव थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो इस हिसाब से साइन ऑफ नेगेटिव साइन थीटा टू क्या आ जाएगा नेगेटिव, बाहर निकलेगा नेगेटिव, ए नेगेटिव बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव बना देगा। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इतना अमाउंट बनेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन निकालने के लिए बायो सावर्ट लॉ, तो क्या बताया था डीएल के डायरेक्शन में हाथ रखना है, डीएल के डायरेक्शन में हाथ रखा किसको पकड़ने का ट्राई करना है आर को, तो आर क्या है इस तरफ है ना आर, इसको पकड़ लेंगे तो कैसा आएगा थंब नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है मतलब क्रॉस, तीर अगर नीचे की तरफ जाएगा तो आपको पिछवाड़ा दिखेगा, पिछवाड़ा क्रॉस है तो डायरेक्शन रहेगा क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, डन। तो ऐसे करके हम निकालते मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर विच इज कैरिंग करंट आई, डन है। तो ये है इसका डेरिवेशन, अगर आपको ये सारा स्टेप आता है तो आप इजीली कर लोगे, डन। और आप चाहे तो ये सारा स्टेप को ना आप आपके सॉल्विंग के पेपर के अंदर में ही कर सकते हो, मतलब हियर गिवन इस तरह लिख के आप कर सकते हो, डन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे कि हम देखने वाले एक सर्कुलर कॉयल के एक्सिस में कितना होता है, डन, एक्सिस में कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।